कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले वैकुंठपुर जनपद के ग्राम पंचायत झरना पारा के लहरी मोहल्ले के लोग लगातार सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को मोहल्ले वासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सड़क निर्माण को लेकर कलेक्टर से सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों का सुध लेने नहीं आया, ऐसे में ग्रामवासियों ने कहा है कि अगर पंचायती चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले इस मोहल्ले के सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तो सभी ग्रामीण कठोर कदम उठाने पर विवश रहेंगे। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय वैकुंठपुर के से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी में बसे झरना पारा ग्राम पंचायत के निवासियों को आज भी पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है और इसी समस्या के चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दशकों से बार बार मांग करने के बाद भी इन लोगों के द्वारा की जा रही मांग की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मैं झरना पारा ग्राम पंचायत झरना पारा का निवासी हूं और हमारे लहरी पारा मोहल्ले में रोड बहुत खराब हुआ है और जब दर्शन में गए थे तो वहां से कोई अधिकारी यहां जांच के लिए नहीं आए हैं। मेरा नाम लोकपति है, मैं ग्राम झरना पारा मोहल्ला लहरी पारा की निवासी हूँ। हम 15 दिन पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस जनदर्शिका में गए थे, वहाँ सड़क के निर्माण के लिए विज्ञापन दिए थे। आज 15 दिन हो गया है लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए नहीं आए हैं। अगर मैं ग्राम पंचायत झरना पारा मोहल्ला लहरी पारा की निवासी हूँ, मेरा नाम दीपिका है और 15 दिन पहले सड़क निर्माण को लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस गए हुए थे, लेकिन कलेक्ट्रेट ऑफिस गए थे जनदर्शन के लिए लेकिन कोई भी अधिकारी आके यहाँ जांच पड़ताल नहीं किए।